बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8D बुक D3 है, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स, 9 तक हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 10 to 14। मैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद बाकी के स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन अंदर अंदर से कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बाकी के फिर आपको होमवर्क असाइन कर दिए जाएंगे। द फिगर शोज़, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपके सामने सारी पिक्चर जो है डायग्राम आपके पास बुक्स हैं, जो काम है अंदर फाइंड आउट करना है हमने वो हम देखते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू सारी लिखी हुई हैं हमारे पास, ये इतनी है, एंगल है, सारा कुछ दिया हुआ है। फाइंड एंगल BAD। हम अपने टारगेट की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक्सरसाइज है 8D स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें स्टूडेंट्स करना क्या है, एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल BAD। अब ये जो एंगल है BAD, तो यहाँ पर A पर बनने वाला एंगल फाइंड आउट करना है हमने। अब ये स्टूडेंट्स हमने एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करना है, इसकी पहले यहाँ पे साइड पे पिक्चर बना लें BAD की। ये B है और ये हमारा A हो गया और ये हमारा डी बन गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एंगल है, ये जो टोटल इस बुक में यहाँ पे शो हो रहा है, ये यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन थी, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल है जी सर। ये स्टूडेंट्स ये सॉरी ये डी था और ये जो वैल्यू है ये 5 और ये वैल्यू आपकी 12 है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये देखें कि जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है तो फिर हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, या दूसरी हमारे पास क्या नाम है आ जाती है वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज हैं, वो भी सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स पर एप्लीकेबल हैं। लेकिन जब हम ये काम कर रहे हैं, कोई ट्राइंगल्स हमारी राइट बनेंगी, मोस्टली जो ट्राइंगल्स हमारी राइट नहीं बनेंगी, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, तो आप इसकर टेंजेंट ये जो एंगल फाइंड आउट करना है उसका लेट से आप थीटा का नाम दे लें, टेन थीटा इज़ इक्वल टू 12। रेशो क्या बनेगी, सम पीपल हैव, ये स्टूडेंट्स मैं आपको करवा चुका हूँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर परपेंडिकुलर और ब्रश बेस। परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे 5 है और बेस यहाँ पे 12 है, और थीटा फाइंड आउट करना है, तो 5/12 टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 5/12, टेन इनवर्स स्टूडेंट्स आप ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, शिफ्ट टेन इनवर्स 5/12, इसको इसका आंसर देखें 22.61 राउंड कर लें तो 62 हो जाएगा, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं। तो ये थीटा जो है ये हमारे पास ये फाइंड आउट हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद द लेंथ ऑफ द सपोर्ट PD, ये जो PD है ये स्टूडेंट्स सपोर्ट दी हुई है, ये बेसिकली एक यहाँ पे फिगर थी जिसका ये रूफ है, हमने यहाँ पे एक सपोर्ट्स दी हुई हैं, ये BD भी सपोर्ट है और DQ भी सपोर्ट है और PQ भी सपोर्ट है। अब कहता है ये PD जो सपोर्ट आपने दी है यहाँ से ये वाली, इसकी वैल्यू आप बता दें। तो स्टूडेंट्स अब हम APD को ले लेते हैं और यहाँ से वैल्यू उसको कैलकुलेट करते हैं। APD 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 को लेकर हमने स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है, तो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास 15 है, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 50 है, और ये जो वैल्यू है अभी अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 22.62 है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये जो शॉर्टेस्ट ये जो लेंथ है ये फाइंड आउट करनी है, ये जो है द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट नहीं सॉरी सपोर्ट PD जो सपोर्ट है ये स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाला जो है हम इस पर साइन चला लगाएंगे कि एंगल के सामने साइड के सामने वाला एंगल और दूसरी साइड हमारे पास जो कि साइड गिवन उसके सामने वाला एंगल, तो जो दो एंगल दिए हुए तीसरा हम आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं 180-50-22.62। तो यहाँ से जो थर्ड आया है 107.38 का आया है। तो स्टूडेंट्स PD जो साइड है यूजिंग साइन चला इस ट्राइंगल पर, ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास, APD
और डी। इस पर साइन ला लगाएं, साइन ला हमारे पास जो लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, पी डी लेंथ फाइंड आउट करनी है, और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, और सामने पी डी एंड सामने साइन ला लगाने पर साइन 22.62 एंड इज इक्वल टू, हमारे पास एक 12 साइड है और उसके कॉरेस्पॉन्ड जो एंगल बनता है वो साइन 107.38। और पी डी की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, यहाँ पर स्टूडेंट्स 12 एंड ये साइन डिवाइड हो रहा है, साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 62 ओवर में आ जाएगा साइन 107.38। तो ये स्टूडेंट्स सारा कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर लें, पी डी की जो आपके पास वैल्यू है 484 मीटर आ जाएगी, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये बाकी वैल्यूज़ भी हमारी मीटर में थी, तो हमारा जो आंसर आएगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का स्टूडेंट्स टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ अलहदा से, वो आप लोगों को पता है। अब पी डी की लेंथ जो है हमारे पास आ गई, द लेंथ ऑफ सपोर्ट डी क्यू। अब ये जो डी क्यू लेंथ है ये हमने स्टूडेंट्स कैलकुलेट करनी है। अब डी क्यू के लिए उसके जो वैल्यूज़ हैं वो निकालने स्टूडेंट्स, ये एक नीचे जो था हमने एक हॉरिजेंटल है और ऊपर हमने रूफ बनाई है और सेंटर में सपोर्ट दी है, जितना स्टूडेंट्स एंगल इस साइड पे होगा उसी साइड दूसरी साइड पर भी एंगल उतना ही होगा, और ए पर बनने वाला एंगल हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 22.62, इस वजह से सी पर बनने वाला एंगल भी सेम ही होगा। तो स्टूडेंट्स हम निकालेंगे क्वेश्चन 10 का जो है थर्ड पार्ट, उसमें हमसे डिमांड कर रहा है कि डी क्यू की वैल्यू बता दें। डी क्यू की वैल्यू के लिए ये डी क्यू है तो हम देखेंगे, तो ये जो नीचे वाली डी क्यू और सी इक्वेशन ये ले लेते हैं, ये डी है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्यू है, और यहाँ पर बनने वाला एंगल हमारे पास 22.62 का है, और ये जो ये साइड है ये हमारी 12 की है, ये जो स्टूडेंट्स हैं हमने डी से क्यू लेंथ ये जो है ये मेजर करनी है, लेकिन स्टूडेंट्स ये तो 90 डिग्री यहाँ पर एंगल नहीं बन रहा, ना तो हम पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं। अभी उससे पहले हमें ये लेंथ भी चाहिए ताकि हम साइंस रूल्स लगाते हुए या कोसाइंस ला लगाते हुए, कोसाइंस ला लगेगा क्योंकि ये दोनों साइड्स हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल हमें गिवन है, जिसकी वजह से हम दूसरी साइड जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो पहले हमें ये जो है सी क्यू लेंथ वो मेजर करनी है। अब सी क्यू लेंथ दोबारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर आ जाए, सी से लेकर क्यू तक की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरीके से निकल सकती है कि अगर हम यहाँ से ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, कौन कौन सी, पहले मैं दोबारा से ले रहा हूँ, अब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल लेनी पड़ेगी हमें, मैं उनकी वैल्यू बताता हूँ कौन कौन सी, उसकी साइड्स के कॉर्नर सी बी और डी, बी सी डी, ये ट्राइंगल यहाँ से बुक से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 5 मीटर ये है और इसके यहाँ तक जो है वो 7 थी, लेकिन हम टोटल निकाल लेंगे नीचे 12 है। स्टूडेंट्स ये आपका हाइपोटनस बनेगा, ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो पैथागोरस थ्योरम से ये साइड हम निकाल सकते हैं। तो ये साइड स्टूडेंट्स पैथागोरस थ्योरम, ये आपका हाइपोटनस बनेगा जो कि बी सी है, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 25 प्लस 144, ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 169। हमें तो बी सी साइड का स्केयर नहीं, बी सी साइड चाहिए, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, लेकिन लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो सो बी सी का आंसर आएगा 13, तो हम माइनस वाला आंसर नहीं लिखेंगे बिकॉज बी सी जो है लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो सो बी सी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो कितनी आई, टोटल जो थी वो 13 है, टोटल 13 है। अगर इतना सा पार्ट बुक वाले ने ऑलरेडी हमें दिया हुआ था बी से लेकर क्यू तक का जो था वो उसने कहा हुआ था कि 7 का था, इट मीन्स फिर रिमेनिंग जो नीचे वाला है वो कितने का हुआ, 6 का, तो ये वैल्यू जो है सी क्यू की वैल्यू फिर आ गई 6, सी क्यू की वैल्यू आ गई 6, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज हमारे पास हैं, तो अब साइन ज़िला लगा कर हम निकाल सकते हैं, सॉरी कोसाइन ज़िला, कोसाइन ज़िला कैसे लगेगा, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ इस पिक्चर को, दोबारा ले रहा हूँ इस पिक्चर को मैं स्टूडेंट्स, ये 22.62, ये लेंथ 6 है और ये लेंथ 12 है, ये क्यू सी और ये डी साइड है, तो ये कोसाइन ज़िला आप लगाएं, डी क्यू साइड जो है
उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 12 6 एंड कॉस ऑफ 22.62। ये कोसाइन लॉ आपको बता चुके हैं कैसे करते हैं, मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ। कोसाइन लॉ इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो साइड गिवन हो बाकी दोनों साइड्स, और माइनस 2 बी सी और कॉज ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल, तो वो किस साइड पे बनता है, एंगल कैपिटल ए। इस तरीके से ये स्टूडेंट्स आपका ये फार्मूला यहाँ पर लग के इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो डी क्यू जो लेंथ है वो स्टूडेंट्स आपके पास कितनी आ जाएगी, डी क्यू लेंथ आ जाएगी 47.08 कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद। तो स्टूडेंट्स हमें तो डी क्यू लेंथ का स्केयर नहीं स्केयर रूट चाहिए, तो स्केयर रूट इधर भी ले लें और इस साइड पर भी ले लें, स्केयर रूट लेते ही प्लस माइनस का आंसर आएगा। तो डी क्यू लेंथ कैन नेवर भी नेगेटिव, तो सो हमेशा हम इसको पॉजिटिव कह लेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 6.86 मीटर डी क्यू की लेंथ का आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 आपका कम्प्लीट हो गया।